चॉकलेट है शक्ति चॉकलेट। हमने पहली बार आयुर्वेदिक हर्बल और बहुत सेफ चॉकलेट बच्चों के लिए बनाई है। इट्स प्रिपेयर्ड आउट ऑफ अश्वगंधा, जो बहुत अच्छी ताकत देता है, शंख पुष्पी जो ब्रेन को अच्छा स्ट्रेंथ देता है, मेमोरी बढ़ाता है, और मुलेठी जो आपके गले को अच्छा रखता है। इसे तीन चीज़ों को मिलाकर के बहुत सेफ चॉकलेट और बहुत अच्छा टेस्ट। जिस बच्चे को एक चॉकलेट देता है वो कम से कम 4 से 5 मांगते हैं। अच्छा, इसमें इसके अलावा इसको आपने कैसे यूज किया है? इसका अर्क निकाला है, मतलब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट, तीनों का एक्सट्रैक्ट निकाल के डाला है। अच्छा, तो इसीलिए टेस्ट में बिल्कुल वेरिएशन नहीं है, जो चॉकलेट का ही बेसिक टेस्ट है, अदर का टेस्ट है। और उसमें आपने व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट का ऐसा कॉम्बिनेशन किया है कि बहुत टेस्टी क्रिस्पी टेस्ट आता है इसमें। ओके, वेरी गुड। तो ये और इसमें शुगर वगैरह का शुगर ना के बराबर जो परमिटेड शुगर लेवल है वही हमने जो कैडबरी में और बाकी ब्रांड्स में। तो आजकल लोग ये पूछ रहे हैं बात से कि डायबिटिक्स जो पेशेंट है उनके लिए ये भी खाई जा सकती है? बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी खाई जा सकती है, जैसे हम रेकमेंड करते हैं। जी जी, ठीक है। और ये शुद्धि अर्क है, ये एकमात्र आयुर्वेदिक हर्बल ऐसा सैनिटाइजर है जो नॉन अल्कोहलिक है, विदाउट प्रिजर्वेटिव है। अच्छा। और ये फूल के गेंदे के पौधे के अर्क से हमने इसको तैयार किया है। अच्छा। और ये सब 100% डिसइंफेक्टेशन करता है। अच्छा। इसको हमने DRM कैटेगरी के माइक्रोब्स पे ट्रायल किया हुआ है। अच्छा। ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरते। अच्छा। तो उनपे जब ट्रायल किया तो इसका रेफरेंस आता है श्रीमद् भागवत महापुराण से, जहाँ पर कौरव पांडव का युद्ध हो रहा है और कौरवों की सेना के जो सिपाही घायल हो रहे हैं सुबह तक मर जाते हैं। अच्छा। और पांडवों की सेना के दोबारा आ जाते हैं लड़ने। अच्छा। दुर्योधन ने बोला कि देख के आओ कि ये छलिया कृष्ण क्या कर रहा है। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि वो गेंदे के पौधे का कल्क बना रहे थे चटनी। अच्छा। और उसका लेप करते थे और सुबह तक पूरा ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये उससे निकला। जी, तो ये 100% डिसइंफेक्टेशन करता है। अच्छा। सभी तरह के वायरल फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करता है और इसको आप पी भी सकते हैं। अच्छा। हाँ, ओरल भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल। इसी तरह से कांच के बीज के ऊपर बहुत सेफ और बहुत पावरफुल कांच के बीज ऊर्जा ऊर्जा रसायन में बना है। बहुत अच्छा टैबलेट है, पाउडर, ये अवले फॉर्म है, सेमी सॉलिड। अच्छा, ओके, सेमी सॉलिड। तो जैसे वो च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश की तरह। अच्छा। ये एक्चुअली कल्प प्रिपरेशन है। अच्छा। अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स को कायाकल्प करने के लिए। अच्छा। तो नर्वस सिस्टम के कायाकल्प के लिए। अच्छा जी, पूरे आपके हाथ में कभी शिवरिंग होती है, सर्वाइकल है, साइटिका, कमर दर्द है, पूरा इससे ठीक होता है। पार्किंसन में भी काम आता है। पार्किंसन की सबसे अच्छी दवा एल-डोपा, इसमें डोपामाइन है, डोपामाइन जो कि नेचुरल डोपामाइन कांच के बीज में होता है और सुबह से शाम तक। डोपामाइन तो केमिकल वो खुश कर, मतलब जो आनंद होने का अनुभव कराता है। ये आनंद भी देने वाला है, मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे एंथुसियास्टिक करता है। अच्छा, ठीक, सुंदर। तो इसको आगे, अभी जो हम लोगों की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसको हम लोग पीएम सर ने एड्रेस किया, यानी P2020 के थर्ड एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व कर रहे थे ना, ये 29th ऑनरेबल पीएम साहब ने भारत में लगभग जो हमारा नया क्रिएशन है G20 के फॉर्मेट में हम लेकर आए हैं, ये सारे हेड ऑफ द स्टेट्स उसमें मिलेंगे, खासकर वो G20 के जो 19 प्लस यूरोपियन यूनियन के सारे हेड ऑफ द स्टेट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके फॉर्मेट में फिट भी होता है भारतीय ज्ञान परंपरा। तो इसको मैंने जैसे आपको कहा था या प्रयास किया कहने का, आई ट्राइड टेलिंग यू that why don't we have a meeting in such a way that okay, there must be kind of a meeting between all the like Ayurveda, Yunani medicine, homeopathic, modern medicine, कि इसमें हम एक दूसरे को contradict नहीं कर रहे हैं, but coordination होना चाहिए कि up to what level, what can be done through this particular trait and what can be done through this trait, and then all put together is Bharati Gyan. तो उसको हम लोग करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट कुछ पाए नहीं, मेरा ये निवेदन होगा। इसको लेकर आए और मैंने कहा कि आपसे हंसते हुए मैंने कहा कि ये जो E=mc² या ये जो रिएक्शन है आइंस्टाइन का, ये तो दुनिया में मालूम है, लेकिन आज भी बहुत सारी कंट्री स्ट्रगल कर रही है कि एक वेपन बना लें या वॉरहेड बना लें, है ना, एटम बम टाइप की चीज बनाने की जो बात है। हालांकि वो रेस बढ़ाना नहीं चाहिए, वो रेस खराब है, लेकिन फिर भी बना तो नहीं पा रहे थे। यानी ज्ञान कहीं भी दिखा हो, नागार्जुन के मरकुरी से गोल बनाने का सबको मालूम है, लेकिन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या मिलाएंगे, कितनी देर मिलाएंगे, ये वाली बात है। तो आप ज्ञान लिख के रखिए जिससे वो लुप्त ना हो, तो उसको हम लुप्त करेंगे। राइट, थैंक यू।